नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित किया गया है। जल्द नई परीक्षा तिथि का ऐलान किया जाएगा। तो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित, जल्द नई परीक्षा तिथि का किया जाएगा ऐलान। और जानकारी देने के लिए यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विजय, नई तिथि के ऐलान की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब नीट परीक्षा जो है उसको स्थगित कर दिया गया है और जल्द ही नई परीक्षा की तिथि का ऐलान भी होगा। इससे पहले एक बड़ी घटना और हो गई है, नीट पीजी इंट्रेंस टेस्ट जो परीक्षा निरस्त हुई है, उसके एनटीए के जो डीजी है प्रभात जोशी, उनको भी हटा दिया गया है और अगले आदेशों तक नीट की प्रवेश परीक्षा को भी रोक दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, अब जो बच्चों की मांग थी, जो छात्रों की मांग थी कि नीट से नीट में लोकतंत्र की बहाली हो, उसकी एक शुरुआत हो गई है। और अपने स्तर पर कहा जाए तो नीट में अब बड़े बदलाव की तैयारी सरकार कर रही है और उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं होंगे, बड़े परिवर्तन होंगे। जल्द ही बड़े अधिकारियों की तैनाती होगी, जो समिति बनाई गई है उसकी जाँच करिए, उस टीम को भी बड़े अधिकार सौंप दिए गए हैं कि वो किसी को भी कभी भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है और जो भी रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द सरकार को सौंपनी है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश और देश भर में जो आंदोलन हो रहे हैं, जो उसको रोकने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है और नीट के जो अभ्यर्थी है उनको संतुष्टिजनक एक उत्तर देने की कोशिश है। और अभी तक जो भी प्रक्रिया हुई है उसमें सरकार ने अपनी खामी को माना है और इस तरीके के आंदोलनों को रोकने के लिए भी ये बड़ा कदम उठाया गया। तो फिलहाल दो बड़े निर्देश दिए हैं, एक तो एनटीए के डीजी हटा दिए गए हैं, दूसरी परीक्षा निरस्त कर दी गई है और एक प्रक्रिया नई शुरू हो गई है कि साफ सुथरी स्वच्छ एनटीए टेस्ट की जो व्यवस्था है वो सरकार करने जा रही है। तो छात्रों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल राहत की खबर है और कहीं ना कहीं एक दबाव भी सरकार पर बनता नजर आ रहा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब नई प्रवेश परीक्षा को लेकर क्या कुछ तिथि या कितनी तेजी इस ओर देखी जाने वाली है? देखिए, जल्द ही इन तिथियों की घोषणा होगी और कहा यह भी जा रहा है कि अभी कुछ मामले जो लंबित है कोर्ट में 8 जुलाई को लेकर, उसको भी लेकर इसीलिए रुका गया है कि कोर्ट क्या रुख अपनाता है, कोर्ट क्या निर्णय देता है, उसके हिसाब से ही अभी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन फिलहाल सरकार अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रही है कि जल्द से जल्द नई परीक्षा कराई जाएगी और उसमें स्वच्छता पूरी और पारदर्शिता साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। ये सरकार के बड़े नेताओं के और बड़े मंत्रियों के निर्देश भी हैं और प्रधानमंत्री भी इस पूरे मामले पर सख्त हुए हैं कि आखिरकार इस तरीके के भ्रष्टाचार और इस तरीके की लोकतंत्र की नीयों को हिलाने वाली प्रक्रिया कैसे हो गई, इसलिए भी थोड़ा हरना भी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया विजय जानकारी देने के लिए।